आ गए हैं घर पे और अब डिनर खाते हैं। डिनर रेडी है हमारा, माय फेवरेट नमकीन। अभी हमारी मूवी डिसाइड हो गई है, आसरन। आसरन मूवी देख रहे हैं, साउथ की मूवी है, अच्छी मूवी है अभी तक तो, बल्कि बड़ी सस्पेंस वाली मूवी है। एक बात तो है कि टाइमिंग बनने से तो बहुत अच्छा हो गया, जैसे कि टाइम से अपना दुकान बंद होना, टाइम से अपना घर पे आना। पहले कोई टाइम नहीं होता था कि कभी 10 बजे जाते थे, कभी 10:30 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे। यानी कि अब लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि कैसे रहते हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे घर पे टाइम से पहुंचना है, टाइम से काम करने के घंटे बंद गए और टाइम दुकान की टाइमिंग बंद गई सबकी। जब आते थे तो बच्चे सो जाते थे, आते थे खाना खाते थे सो जाते थे, सुबह तो फिर सुबह निकल जाते थे क्योंकि सुबह जल्दी खोलने की होती टाइमिंग 9 बजे और शाम को वही 10-11 बज जाते थे। ये वंशिका भी आ गई है मेरे साथ। हाँ बेटा, हम दोनों तो अपने मतलब एक साथ ही डिनर करते हैं। अब मैं वंशिका का, वंशिका और मेरा तो टाइमिंग यही है। हाँ। मैं आता तभी करती है ये वंशिका, मेरे साथ ही करती है। पहले जैसे कि टाइमिंग जब नहीं थी लॉकडाउन, तब कभी हम जैसे साथ खाना खा ही नहीं पाते थे, कभी भी खाना नहीं खा पाते थे। अभी तो यह है कि ना हम पूरा परिवार जैसे टाइमिंग हमारी सबकी ना एक ही बार है, तो अभी करते हैं डिनर, डिनर करके फिर आपसे मिलते हैं जल्दी। गाइस फिल्म के चक्कर में मैंने चावल गिरा दिए सारा पूरा बंदा देख रहा था। 11 और हम देख रहे थे मूवी, लेकिन ना मूवी आज मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो मैं सोच रही हूँ कि आज लूडो निकाल लिया मैंने, लूडो खेल रही हूँ मैं। तो गाइस अभी बजे है रात के, देखो 12 बज गए, ये देखो 12 बज गए और अभी जस्ट हमारी मूवी फिनिश हुई है, देखी है पूरी, अच्छी थी मूवी, सही सही थी। और वंश अपना ये देखो प्रोजेक्ट देख रहा है, क्योंकि सुबह इसको मैडम को सबमिट कराना है, तो ये अपना प्रोजेक्ट तैयार करके अभी से रख रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे क्लास होगी तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि तभी सो के उठेगा और मैडम को व्हाट्सअप कर देगा सारी, यही बस डेली रूटीन हो गया है, बनाओ मैडम को व्हाट्सअप करो, काम करो मैडम को व्हाट्सअप करो, डेली का बच्चों का यही रूटीन है पूरे दिन का। वंशा की भी डेली क्लास अब हो ही रही है, बुक्स वगैरह इसकी भी आ गई हैं, तो चलो फिर गुड नाइट गाइस, आपसे मिलते हैं सुबह। तो कल मूवी खत्म हुई थी, कितने बजे खत्म हुई थी कल मूवी? 1 बजे खत्म हुई थी, ठीक है 1 बजे मूवी खत्म हुई, मैं सोई 2 बजे। और कभी कभी तो यार ऐसे पूरी रात जगते जगते हो जाती है, नींद ही नहीं आती। कल तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही, रात को 2 या 3 बजे जगता रहा, 2 या 3 बजे तक बाबा छज्जे पे खड़ा रहा, रात को मैं 2-3 बजे। नहीं कल ना नींद नहीं आई, कल 2 बजे मैं थोड़ी देर के लिए सोई। और कभी कभी तो ऐसे नींद आते घर ही, बात तो सुनो फिर मुझे ऐसा लगा था रोशनी हो गया, मैंने कहा मैं सोई कब, और मैं नींद पूरी नहीं हुई मेरी, और सुबह मेरे को नींद आ रही थी 7-8 बजे। रात छोटी हो जाती कई बार, दिन में तो समझ आती, मेरे को दिन में भी सोने को नहीं मिलता, सोने की कोशिश किया करो थोड़ी सी, देवी माता जा रही छत पे यार, कल से थोड़ा जल्दी सोएंगे यार, नहीं लेट तो आप जाओगे लेकिन आपको नींद आएगी। आप फोन चलाओ, टीवी बंद करो, नहीं फोन चलाते, चलो कोई नहीं अब करेंगे यार, कल से टाइमिंग सही करते हैं थोड़ी सी ना, टाइम में हमारी गड़बड़ हो रही है, और सोने का टाइम टेबल सही करो यार, दिन में बिल्कुल ना टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी सोने का। गुड नाइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेडी हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गए, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, नाश्ता आ गया है, फटाफट नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं ऑफिस, आज भी कई 2-3 काम निपटाने हैं यार, फटाफट बैंक जाना है, बैंक जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो अंकल आते थे मेरे पास उनको कोविड हो गया है, तो फ़ोन मिल नहीं पा रहा उनका और उनसे बात भी नहीं हो पा रही, तो मेरे को इमरजेंसी है थोड़ा सा, मेरे को जाना पड़ेगा बैंक, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। निकाल लिया मास्क आपने? मास्क है मेरा यार, ये गंदा हो रहा है, इसको तुम धो देना। ओ माई गॉड, ये तो बहुत गंदा हो गया, धोने को क्यों नहीं दिया आपने इसको? सब मास्क की हालत देखो क्या हुई है, खाना रीबुक का है, मौज हो गई तुम्हारी तो आज, बढ़िया फेस पे सही है, बढ़िया बड़ा है मास्क, बड़ा है तो बड़ा ही होना चाहिए मास्क, ठीक है हाँ बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग रहा है। बाय बाय। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और ये नाश्ता करके चले गए, और बच्चे
बच्चों के लिए मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वंश की अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है ऑनलाइन क्लास में, तो 11 मई भूख लग रही है, तो मैं नाश्ता इसका बना रही हूँ, वंशिका का भी और मैं भी कर लेती हूँ। एक्चुअली गर्मी लग रही थी ना, मैंने कहा नहा लेती हूँ फिर ही ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज मुझे आईब्रो के लिए भी देखो लेनी है, वो कहते हैं फ़ोन करके उससे पूछूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रो भी काफ़ी बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, फेस ख़राब सा लगने लगता है नहीं बनाऊँ तो आईब्रो। और देखो फ़ोन करके पूछूँगी, भाई यहाँ पे आके बनाती है तो यहाँ पे आके बना जाएगी घर पे, वहाँ तो पता नहीं पार्लर अभी खोला है कि नहीं खोला। एक्चुअली हमारे घर के पास ही है कोई पार्लर, तो मैं उसी के यहाँ ही बनवा लेती हूँ, बस पास के पास है, तो फ़ोन करूँगी, अगर खुला होगा तो मे भी चली जाऊँगी, नहीं तो यहाँ आना होगा, यहाँ आ जाएगी जैसा भी होगा। तो वंश ऑमलेट बनाओ के तेरे लिए, कल मैंने एग लिए थे। हाँ ऑमलेट बना दो अम्मा। हैं ऑमलेट बना दो। बना दूँ, चलो फिर मैं ऑमलेट बनाती हूँ, थोड़ा हैवी सा ब्रेक नाश्ता हो जाएगा तो मे भी थोड़ा लेट ही फिर लंच करेंगे, और मेरे को शॉप पे भी जाना है, उनका फ़ोन भी आ गया है, तो फिर चलो चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। नहीं तो आप जाओ, आप ऊपर जा रहे हो। चलो हाँ, जाम का तो बहुत बुरा हाल है भाई, देखो कितना जाम तगड़ा लगा हुआ है, 10 मिनट से ऐसे ही जाम लगा हुआ है, लॉकडाउन खुलाने की पहले इतना जाम, लोग ना भीड़ में पता नहीं, देखो भीड़ में लेकिन थोड़ा सा नहीं जाना परहेज करें तो बीमारी भी कंट्रोल हो, 10 मिनट से ऐसे ही जाम लगा हुआ है, ना कोई गाड़ी आगे जा रही है ना कोई पीछे जा रही है, लोग ना ईगो के चक्कर में आके भी पीछे आगे पीछे नहीं होते कि भाई मैं क्यों पीछे हूँ, लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई, थोड़ा सा तुम आगे हो जाओ, थोड़ा सा कोई आगे हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाँव में, तो गांव में भी देखो इतना बुरा हाल नहीं जितना देखो शहरों में। इतनी मतलब कि गर्मी हो रही है ना कि एसी भी फेल हो रहा है, एसी चला रखा है तब भी देखो पसीने आ रहे हैं, ये इतनी गर्मी में एसी फेल हो रहा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, कोई डेली टेम्परेचर वही हो रहा है 40-45 के बीच में। तुम घुमक्कड़ लोग हो, हम तो यही हैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अब सोचेंगे कि लॉकडाउन में थोड़ी बीमारी डाउन हो जाए तब कहीं जाए, डांस करके आएंगे। चलो नहीं हम घर पे कर लेंगे डांस, हम घर पे ही चला लेंगे म्यूजिक को, घर पे कर लेंगे भाई, इतनी धूप में कौन जाएगा बदले के लिए बाहर, देखिए धूप का क्या हाल हो रहा है, मेट्रो किस लिए, मेट्रो मेट्रो चाहे कुछ भी, गर्मी तो गर्मी है, मेट्रो में सारे टाइम बैठे रहेगी क्या, निकलेगी नहीं मेट्रो में से, मेट्रो से निकलते 5 मिनट का रास्ता है वहां से, हम घर पे ही सही है भाई। गाइस मैं अभी आ रही हूँ 2:30 बजे, देखो इतना टाइम हो गया, चलो अभी काम भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी भाई, भूख लग रही है नहीं अभी नहीं लग रही होगी, क्या हैवी नाश्ता हो गया था इसलिए, हाँ हैवी नाश्ता हो गया था, गर्मी में पानी पी पी के पेट भर रहा है, आज बहुत गर्मी है, 2 मिनट बाहर खड़े हो जाओ भट्टी की तरह भुन जाएंगे। गाइस हमारा टीवी ऐसे ही देखो सारे दिन चलता रहता है, क्या करें, यूट्यूब लग गया, ये देखो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, लड़ाई भी होती रहती है भाई बहनों में, लक डेंगे लक, जल्दी जल्दी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सब्जी चावल रोटी 5:30 ही ले बस, मैंगो शेक भी फटाफट से, इट्स ऑल राइट, चलो मैं भी अपना पीती हूँ, जो लोग मानते नहीं जो सामान बार बार रखते थे सबका सामान ऑटोमेटिकली अंदर हो गया, अच्छा है वैसे शक्ति हो रही है ना, सही है, लोग इतना इतना सामान बाहर रख रहे थे जो लोग बहुत दुकानों के बाहर निकाल लेते हैं, बाहर में तो इन्होंने भी ज़्यादा भी क्या है, जितना कम ना पहुँचा ज़्यादा रखो, विराट उसको आने का हाल है, सही बात है, विराट रखने से कोई इधर ज़्यादा बिकाई हो जाएगी, आइसक्रीम की रेडिया भी देखो, आप भी टाइम से निकल जाओ फिर टाइम से आ जाना, यहाँ पर टेप मारना इसके मुँह पे, ये देखो इसने क्या करा है, देखो कैसी पैकिंग करी है ये तो कोई खोल के सामान निकाल लेगा इसमें से, कोई खोल के सामान निकाल लेगा, लगा टेप पूरा मुंह उसका कवर कर, लोग सब मेमोज ही खाने आ रहे हैं, मेमोज वाले पे इतना रश है बहुत ज़्यादा,
क्या करें भैया, लॉकडाउन खुलते ही लोग बाहर का खाना के लिए भैया ऐसे टूट पड़े हैं। बराबर में मैं शॉप पे इतना रश है, उसकी वजह से रोड पे इतना रश लगा हुआ है। मैं अपनी शॉप से आ गई हूँ और वंशिका किचन में देखो कुछ ना कुछ तो बना ही रही होगी, आई थिंक दाल बना रही होगी। और वंश अभी थोड़ा सा रेस्ट करा हुआ क्योंकि उसने अभी वीडियो की एडिटिंग करी है, तो थोड़ा थक जाता है, 2-3 घंटे एडिटिंग में लग ही जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है और फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है। और मैं आज आईब्रो बनवाने नहीं जा पाई क्योंकि धूप भी बहुत थी और टाइम भी नहीं मिल पाया। देखो कल या उसके या संडे को टाइम मिलता है मे बी जाना होगा। धूप के चक्कर में ना आलस आ जाता है, घर में ही इतना एसी फेल हो रहा है तो बाहर तो भाई जाके तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट खड़े हो जाओ धूप में तो लगता है भट्टी बन गई है। देखो जून जुलाई तो ऐसे ही रहेगा, मानसून आएगा तब जाके थोड़ी राहत मिलेगी। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।